नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फास्ट टैग के बारे में। फास्ट टैग क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और किस तरह से ये देश में लागू किया जा रहा है, इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का या मेरे प्रीवियस सभी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से वो डाउनलोड कर सकते हैं। 1 दिसंबर यानी कल से मैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये एक पेड कोर्स रहेगा। इसे ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे आ रहे ब्लू कलर के ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फास्ट टैग पिछले कई दिनों से चर्चा में है क्योंकि 1 दिसंबर 2019 से ये पूरे देश में लागू होने वाला था कि सभी टोल बूथ पर केवल फास्ट टैग यूज किया जाएगा, लेकिन सरकार ने 29 नवंबर को डिसाइड किया कि ये 15 दिन इसकी डेडलाइन आगे कर देते हैं। 15 दिसंबर से पूरे भारत के एनएचएआई के टोल बूथ पर फास्ट टैग यूज होगा। तो फास्ट टैग का ये है लोगो और इसकी जो टैगलाइन है ये याद रख लेना, इजी टू क्रूज, डायरेक्टली पूछी जा सकती है किसी एग्जाम में। फास्टैग होता क्या है, ये एक तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, जो अन्य कई जगह इस्तेमाल होती है। अगर आपने कभी मेट्रो का इस्तेमाल किया हो दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर अन्य किसी शहर में, तो मेट्रो में जो कार्ड मिलता है वो भी एक आरएफआईडी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो आरएफआईडी टैग इस फास्टैग में क्या होगा, गाड़ी के ऊपर लगा दिया जाएगा, कार के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगेगा, उसमें एक आरएफआईडी टैग होगा, एक चिप जैसा होता है, जैसे मोबाइल का सिम कार्ड है समझ लीजिए, कुछ कुछ वैसा ही है, वो इस स्टिकर में लगेगा। और इस स्टिकर को जैसे ही आप टोल प्लाजा के पास में लाएंगे तो यहां पर एक सेंसर कैमरा लगा होगा जो इस आरएफआईडी सिग्नल को कैच कर लेगा और यहां पर एक पेमेंट सिस्टम इसके साथ इंटीग्रेटेड है जहां पर आपकी गाड़ी के अंदर ये जो टैग है ये आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है, वहां से ऑटोमेटिकली टोल के पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी है, यानी आपकी गाड़ी टोल के पास आई और आपको बिना टोल वाले से बात किए या उसे कैश संभलाए सीधा आप आए और ये गेट खुल जाएगा और आप आगे क्रॉस कर जाएंगे। तो ये है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी फास्टैग। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कार के अंदर ये फास्टैग लगा हुआ है, इस जगह इसे लगाना होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेंटर में लगाइए, उसको यहां पर मत लगाइए, इस कॉर्नर पे अगर आप लगाने जा रहे हैं। तो फास्टैग टेक्नोलॉजी के पीछे जो सिस्टम है आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का और इसे पूरे भारत में लागू करने की कोशिश करी जा रही है पिछले 4 सालों से। ऐसा नहीं है कि फास्टैग अभी आया है, फास्टैग बहुत पहले आ चुका है, 4 साल पहले, और 2016 में तो सरकार ने इसे काफी बड़े स्तर पर रोल आउट किया था। तो इसका मेन मकसद यह है बॉटल नेक्स कम करना, यानी जो जाम लगते हैं। बॉटल नेक का मतलब है कि ये होता है बॉटल नेक, जैसे किसी भी बीकर का जो नेक होता है वो पतला होता है तो इसे बॉटल नेक कहा जाता है। तो बॉटल नेक को कम करना ताकि टोल प्लाजा पर वेस्ट होने वाला समय बच जाए। और एक और उद्देश्य है कि जितना भी टोल है देश का वो इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्ट हो, यहां पर कैश का हैंडलिंग कम हो जाए। तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो बॉडी है वो है IHML, इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट लिमिटेड, आपको कंपनी का नाम याद होना चाहिए। IHML इस फास्टैग योजना को लागू कर रहा है और पीछे का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है पूरा, जो पेमेंट सिस्टम है, वो NETC है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम, और इसे कौन चला रहा है, NPCI का बैकिंग इसे मिला हुआ है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे NPCI का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर पिछले 3 सालों में आप कभी किसी हाईवे पर गए हैं, नेशनल हाईवे पर, तो वहां पर आपको इस तरह की एक टोल लेन मिलेगी, यानी जो 4 या 5 गेट होते हैं उनमें से किसी 1 या 2 पर इस तरह का सिंबल लगा होगा फास्टैग। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं ये खाली पड़ी है क्योंकि अभी तक फास्टैग लोग इस्तेमाल कर नहीं रहे थे क्योंकि ऑप्शनल था। तो जिन्हें आगे चलकर जिन्होंने फास्टैग लेना था उन्होंने ले लिया, लेकिन कंपलसरी नहीं था तो इसीलिए लोग फास्टैग को अवॉइड कर रहे थे और ये लेन या तो खाली रहती थी या फिर इन्हें नॉर्मल लेन की तरह यूज किया जाता था। तो जब नॉर्मल लेन की तरह यूज होने लगी तो फास्टैग वाले यूजर्स को कोई बेनिफिट ही नहीं रहा। उन्हें बेनिफिट ये होना चाहिए था कि वो आए, पैसा कटे और तुरंत निकल जाए 1-2 सेकंड के अंदर, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि ये एज ए नॉर्मल लेन यूज हो रही थी, जिसके कारण पूरे भारत के NHAI के नेशनल हाईवेज के टोल प्लाजाज हैं उन पर हमेशा जाम रहता ही है, एटलीस्ट 5 मिनट तो लग ही जाते हैं किसी भी टोल प्लाजा पे। यहाँ पर भी आप देखिए ये 3 लेन फास्टैग लेन्स हैं लेकिन इनमें सारी गाड़ियां खड़ी हैं लाइन में, जैसे कि इन नॉर्मल लेन्स में खड़ी हैं। तो ये जो समस्या है बॉटल नेक है ये एक तरह का, इसे मिटाने की कोशिश है फास्टैग। तो फास्टैग काम कैसे करेगा, आपकी गाड़ी में RFID लगा हुआ है वो आपके एक प्रीपेड अकाउंट से कनेक्टेड है, जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया या फिर आपका SBI अकाउंट का खाता हो गया, एक्सिस बैंक, कई बैंक हैं, 22 गेटवेज हैं, 22 पार्टनर्स हैं इस टेक्नोलॉजी के, वहां से ये फास्टैग जुड़ा हुआ है जिनमें विभिन्न बैंक शामिल हैं, पेटीएम, अमेजोन जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल हैं। तो आपने अपने फास्टैग को जोड़ दिया अपने अकाउंट से, लेट से पेटीएम वॉलेट से, तो जब भी आप टोल के थ्रू निकलेंगे तो आपके
पेटीएम वॉलेट से अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होते जाएंगे। आपको रिचार्ज कराकर रखना होगा उसे पहले से, प्रीपेड एक तरह से वॉलेट हो गया ये, जहां पे आपको पहले से पैसे जमा रखने होंगे। और अगर आपने अपने बैंक खाते से इसे जोड़ रखा है तो आपके सेविंग्स खाते से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट होते जाएंगे, तो आपको वहां पर भी एक मिनिमम बैलेंस रखना होगा। और जैसे ही पैसे डिडक्ट होंगे तो एक SMS मिलेगा, जैसे आपको ATM से पैसे निकालने पर मिलता है, उससे आपको पता भी रहेगा कि आपका कहां पर फास्टैग यूज हो रहा है अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं। तो इस वक्त 27,000 पॉइंट ऑफ सेल है जो बैंकों द्वारा स्थापित किए गए हैं, इनमें से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। तो सुविधा बढ़ाने के लिए तो जितने भी बैंक्स हैं सब में फास्टैग अवेलेबल है, RTOs में अवेलेबल है, और आपके बैंक्स ने कियोस्क भी सेटअप कर रखे हैं कई सारे बैंक्स ने, और उसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। अभी 1 दिसंबर तक सरकार ने घोषणा कर रखी थी कि NHAI के जो टोल प्लाजा हैं वहां पर फास्टैग फ्री में दिया जाएगा, तो जो ₹150 की इसकी फीस थी वो भी माफ कर दी गई थी। तो जुलाई में जहां लगभग 9 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे थे फास्टैग के थ्रू, वो अभी नवंबर आते आते 11 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। और जो डेली टोल कलेक्शन है फास्टैग के थ्रू वो भी 11 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए हो चुका है पिछले 5 महीनों में। तो 5 महीनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे 2020 आने वाला था डेडलाइन नजदीक आ रही थी। और अभी 26 नवंबर तक 70 लाख फास्टैग बेचे जा चुके हैं। लेकिन भारत में गाड़ियां कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के आसपास गाड़ियां, 4 करोड़ के आसपास प्राइवेट कार्स हैं। तो अभी भी फास्टैग सभी गाड़ियों में नहीं लगा है, 70 लाख फास्टैग लेकिन बिक चुके हैं 26 नवंबर तक। तो फास्टैग मैंडेटरी हो गया है, ये अनाउंस किया था सरकार ने पिछले महीने। तो पहले 1 दिसंबर तारीख तय करी थी, लेकिन अब इसे 15 दिसंबर कर दिया है। तो 15 दिसंबर से क्या होने वाला है, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनमें सभी टोल पर केवल फास्टैग एक्सेप्टेबल होगा। एक लेन रखी जाएगी, केवल एक हाइब्रिड लेन रहेगी जहां पर आप कैश दे सकते हैं, तो वहां पर भी फास्टैग के थ्रू भी पेमेंट होगा और कैश भी दे सकते हैं। लेकिन अगर 5 लेन है तो 5 में से केवल एक होगी जहां पर कैश एक्सेप्टेड होगा। तो पहले उल्टा होता था, पहले एक फास्टैग लेन होती थी, 4 कैश वाली होती थी, अब 4 होंगी फास्टैग के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन्होंने फास्टैग नहीं लगवाया है उन सभी को उस एक लेन के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वहां पर होगी भीड़। तो अगर आपको उस भीड़ से बचना है, आपको ट्रैफिक से बचना है, तो आपको फास्टैग ले लेना चाहिए। तो 560 टोल प्लाजाज हैं जो NHAI के अंडर में काम करते हैं, और इन सभी के अंदर टोल अब बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करेगा। और अगर आप बिना फास्टैग के फास्टैग वाली लेन में घुस जाते हैं तो आपको डबल टोल पे करना पड़ेगा, डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा, 100 की जगह ₹200 देने पड़ेंगे। तो अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ फास्टैग, इसका फायदा क्या है। देखो, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ट्रैवल टाइम कम हो रहा है, क्योंकि जो हम टाइम वेस्ट करते हैं टोल प्लाजा पे, आप टोल प्लाजा पे एवरेज कम से कम 5 से 10 मिनट वेस्ट करते हैं जो मेजर हाईवेज हैं उन पर, तो वो एड अप होता जाता है। अगर आप एक दिन में 700 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हैं, जो कि आप आराम से कर सकते हैं भारत में इस वक्त अगर आप नेशनल हाईवेज पे चल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 1 घंटा आप टोल प्लाजाज पर अपना खराब कर देंगे। तो ये कार के लिए इतना हानिकारक नहीं है, प्राइवेट सिटीजन के लिए फिर भी इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ये बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और IIM कोलकाता की एक स्टडी बताती है कि जो ट्रक्स को वेट करना पड़ता है टोल प्लाजाज पे, उससे हमारे देश को 60,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हर साल उठाना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे ट्रक्स एक दिन में कम किलोमीटर तय कर पाते हैं। एक ट्रक ऑन एन एवरेज 300-400 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, जबकि विदेशों में यही 600-700 किलोमीटर का एवरेज है। जबकि भारत के रोड्स बहुत अच्छे हैं, हमारे रोड्स कंपेरेबल हैं टू अदर कंट्रीज, जहां पर 600-700 किलोमीटर डेली एक ट्रक सफर करता है, लेकिन हमारे टोल प्लाजास पे समय खराब हो रहा है, इसीलिए वो ट्रैवल टाइम कम है। तो फास्टैग के रोड यूजर्स के लिए क्या क्या फायदे हैं, ईज ऑफ पेमेंट, आप इसको यूज करते हुए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, खुले पैसे रखने की जरूरत नहीं है, चेंज कैश रखने की जरूरत नहीं है, लोअर फ्यूल कॉस्ट है, आप डीजल या पेट्रोल खराब नहीं करेंगे टोल प्लाजा की लाइन में खड़े खड़े, ऑनलाइन रिचार्ज कराया जा सकता है। उसके बाद SMS अलर्ट आएगा आपको, तो आपको भी पता चलेगा कि आपका कितना पैसा खर्च हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल है, कस्टमर केयर है, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। इंसेंटिव है, कैशबैक है, पहले जब फास्टैग आया था तब 10% कैशबैक मिला करता था, आज से 2-3 साल पहले, अब नहीं मिलता, अब केवल 2.5% तक कैशबैक है जो ज़्यादातर बैंक्स या फिर अन्य पोर्टल्स दे रहे हैं। टोल ऑपरेटर्स के लिए भी इसमें काफ़ी आसानी है, हाईवे मैनेजमेंट सुधरेगा, मैनेजमेंट आसान हो जाएगा, जो मैन पावर है एक टोल को ऑपरेट करने के लिए उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी, ऑडिट करना उनके लिए आसान होगा, बेटर ऑडिट कंट्रोल आएगा थ्रू सेंट्रलाइज्ड यूजर अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा अब जा रहा है अकाउंट्स में डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हो रहे हैं, कैश हैंडलिंग कम होगी, तो एक रिस्क भी कम होता है। कई बार देखिए टोल प्लाजाज पे लोग अटैक करके कैश छीनने की भी कोशिश करते हैं, तो इस तरह की हरकतें भी अब नहीं होंगी। गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी टोल ट्रांजैक्शन में, टोल्स में बहुत धांधली होती है, करप्शन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि टोल प्लाजा वाले ये भी कर सकते हैं कि सरकार को टैक्स देने की बजाय वो ट्रक्स को कहें कि आप 1,000 रुपये का टोल मत दो, आप 500 रुपये हमें दे दो और आप निकल जाइए यहाँ से, पास कर जाइए।
इस तरह की चीजें अब नहीं हो सकती, अब वो डायरेक्ट ₹1000 जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट्स में। फ्यूल सेविंग भी होगी सरकार के लिए, पैसा बचेगा, सरकारी व्हीकल्स भी बहुत होते हैं और एनवायरमेंट को बेनिफिट तो है ही। अगला बेनिफिट है लॉ एनफोर्समेंट का। देखिए लॉ एनफोर्समेंट कैसे, अब अगर जब पेमेंट इन्फॉर्मेशन और व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन सेव है कार के साथ में, तो अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके भागना चाहता है, टोल प्लाजा पे आएगा, तो कैमरा लगा रहता है, हर टोल प्लाजा पे पहले से कैमरा लगा है, और अब पेमेंट वाली जानकारी भी कोलेट करी जा सकती है, दोनों को मिलाकर एग्जैक्टली व्यक्ति कौन था गाड़ी के अंदर ये पता किया जा सकता है। तो इससे क्राइम में काफ़ी मदद मिलेगी, ट्रैफिक लॉ वायलेशंस में मदद मिलेगी। फिर टैक्स इवेजन पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि IHMCL जो है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके और GSTN के बीच में एक करार हुआ है जिसमें ये ई वे बिल को इंटीग्रेट करेंगे फास्टैग के साथ, तो अब दोनों का डेटा एक साथ हो जाएगा, तो ओवरलोडिंग की समस्या से भी और टैक्स इवेजन की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है इस सिस्टम के थ्रू। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। जैसे कि पहला डिसएडवांटेज, कई टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोकल लोग जो अभी तक मंथली पास बनवा लिया करते थे, उनको प्रॉब्लम आएगी। हालांकि सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसके तहत आप फास्टैग बनवाइए और वेरीफाई करवा दीजिए कि आप 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो आपके फास्टैग से पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन अगेन ये एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। दूसरा मुद्दा है लोकेशन ट्रैकिंग का। ये जो एजेंसीज हैं जिनके पास सारा डेटा रहेगा, वो चाहे तो मॉनिटर कर सकती हैं। लेट से कि मैं सरकार के विरोध में कोई कदम उठाने जा रहा हूँ, सोचिए मैं कोई बड़ा प्रदर्शन लीड करने जा रहा हूँ कहीं पर, तो मुझे जाना है दिल्ली से मुंबई, तो अगर मेरी गाड़ी में फास्ट ट्रैक लगा है और सरकार को मेरे पास मेरी डिटेल्स ऑब्वियसली होंगी, तो मैं दिल्ली से कब निकला, किस टोल प्लाजा पे पहुंचा, कितनी बजे कहां से कहां गया, ये सारी जानकारी सरकार को रहेगी। वो मुझे कहीं पे अरेस्ट कर सकते हैं, रस्ते में ही रोक सकते हैं, तो इस तरह से आम जनता पर, सिटीजन्स पर, सिटीजन्स के राइट्स को कहीं ना कहीं उनका हनन हो सकता है। ये लोकेशन ट्रैकिंग प्राइवेसी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उसके बाद जो बैंक, अलग अलग बैंक ये फास्टैग बेच रहे हैं, ये बैंक न्यूट्रल नहीं है। लेट से कि मैंने SBI से फास्टैग खरीदा, तो मैं उसका रिचार्ज ICICI बैंक से नहीं करवा सकता, या फिर उसे चेंज नहीं कर सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता ICICI में। अब मुझे अगले 5 साल, जब तक वो टैग वैलिड रहेगा, 5 सालों तक मुझे SBI से ही रिचार्ज करवाना पड़ेगा, या फिर SBI के खाते में ही पैसे रखने पड़ेंगे। स्टेट हाईवेज में अभी तक फास्टैग नहीं है, हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम स्टार्ट कर देंगे, बट टाइम लगेगा, सारे राज्यों में आने में कम से कम कुछ साल तो लगेंगे ही। तो अभी स्टेट ऐसा नहीं है कि सब लोग हमेशा नेशनल हाईवे यूज़ करते हैं। मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो हो सकता है मेरा 40% रास्ता नेशनल हाईवे का और 60% स्टेट का, तो मुझे कैश तो रखना ही पड़ेगा। मेरे लिए कैश या फिर छुट्टे रखने की समस्या है, उससे मुझे निजात नहीं मिला है। तो अभी पूरा नेटवर्क नेशनल हाईवे स्टेट हाईवेज का फास्टैग में नहीं है। फिर जो गाड़ियां फास्टैग लेन में एंटर कर रही हैं बिना फास्टैग के, उनसे डबल टोल क्यों वसूला जा रहा है? क्या ये सरकार के प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं है? आप कैश यूजेज को पेनलाइज नहीं कर सकते, हाँ आप उन्हें लंबी लाइन में खड़ा कर सकते हो कि आपने लेन रिस्ट्रिक्ट कर दी कि कैश के लिए केवल एक लाइन रहेगी। जो फास्टैग से अवगत नहीं है या फिर जिन्हें इस रूल के बारे में मालूम नहीं है, उनसे डबल पैसा वसूल करना इज इलॉजिकल और गलत भी है। एक बहुत बड़ा इशू है सिक्योरिटी का। जो RFID स्कैनर टोल प्लाजा पर लगा रहता है, जो फास्टैग को स्कैन करेगा, वो अगर किसी अन्य व्यक्तियों के हाथ में लग गया, किसी चोर के हाथ में लग गया, या किसी की गलत उद्देश्य है ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग गया, तो वो उस स्कैनर का इस्तेमाल कहीं पर भी किसी भी गाड़ी पर कर सकता है। सोचो किसी पार्किंग में सारी गाड़ियों को स्कैन कर लिया, अब उन सबकी इन्फॉर्मेशन उस स्कैनर में आ जाएगी, उससे बहुत, उस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी कुछ किया जा सकता है। सबके एड्रेस मालूम चल जाएंगे, बैंक की डिटेल्स हैं, कहाँ रहता है, अगर कोई महिला है जिसको अटैक करना हो, तो इस तरह के मैलिशियस इंटेंट के काम करे जा सकते हैं। लेट से कि कोई बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का, उसकी डिटेल्स मालूम चल गई वो कहाँ रहते हैं, उन्हें पता है कि आसानी से जाकर ओवर पावर किया जा सकता है, गाड़ी चुराई जा सकती है, तो कई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। फिर टैग क्लोनिंग है, जो RFID टैग है उसको क्लोन करके दूसरी गाड़ी पे लगा दिया, पैसा तो उस व्यक्ति का कटेगा जिसका ओरिजिनल टैग है, लेकिन वो किसी अन्य गाड़ी पर इस्तेमाल होगा, ये भी एक खतरा है। जैसा कि आपने सुना होगा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स भी क्लोन हो जाते हैं। फिर प्राइवेसी का मुद्दा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात है, सरकार कह रही है कि कमर्शियल व्हीकल्स को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ई वे बिल और जो टैक्स की चोरी है उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो हाँ, वो बात सही है, लेकिन पर्सनल व्हीकल्स को ट्रैक करना सीरियस प्राइवेसी कंसर्न्स को रेज करता है। फिर हर व्यक्ति नेशनल हाईवे का इस्तेमाल रेगुलरली नहीं करता, अगर किसी को साल में 1 या 2 बार हाईवे पर जाना होता है, नेशनल हाईवे पर, तो उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। फिर जब हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सीमलेसली काम करे, लेकिन अभी तक जो फास्टैग के यूजर्स हैं उनका ये मानना है कि लगभग आधे टोल प्लाजास पे, ये लोगों का एक्सपीरियंस है, ओके इसका कोई क्वांटिफाइबल डेटा नहीं है, लोगों का ये कहना है कि आधे टोल प्लाजास पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, RFID स्कैन नहीं हो पाता, स्कैनर काम नहीं करता,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ये सब टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, शुरुआती समस्याएं हैं। आई होप कि एक से दो महीने के अंदर अंदर ये सिस्टम सीमलेसली काम करने लगेगा, बेटर होगा। और देखिए 100% दुनिया में कोई सिस्टम सीमलेसली काम नहीं करता है। चाहे आप अच्छे से अच्छे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कभी ना कभी तो वो कार्ड भी काम नहीं करते हैं। अगला मैटर है RFID डिवाइस का। जो RFID स्टिकर्स हैं, जो रीडर्स हैं, ये भारत के एनवायरनमेंट में सही से काम करेंगे या नहीं लंबे समय तक, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए भारत में टेम्परेचर बहुत हाई होता है गर्मियों में, लगभग 40-45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है ऑलमोस्ट पूरे भारत में। तो वो हीट के कारण जब विंडशील्ड पर स्कैनर लगा रहेगा तो क्या वो डैमेज नहीं होगा? एक साल डेढ़ साल में वो खराब हो जाएगा, हो सकता है कुछ महीनों में ही हो जाए। उसके बाद RFID में एक समस्या डर्ट की भी है। जब कांच गंदा होता है, मिट्टी होती है, स्क्रैचेस होते हैं, तो वो स्कैन ठीक से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में लोगों को ज़रूरत रहेगी बार बार RFID टैग बदलने की, FASTag बदलने की, या फिर हमेशा अपने विंडस्क्रीन के कांच को साफ रखने की। तो कुछ ना कुछ इश्यूज इसमें रहेंगे। अभी टेक्नोलॉजी सीमलेस नहीं है, पूरा प्रोसेस सीमलेस नहीं है, लेकिन आई होप कि समय के साथ ये सुधर जाएगा। उसके बाद कैश को इस्तेमाल करने पर पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। FASTag एक ऐसा सिस्टम है जहां सरकार कह रही है कि हमारे द्वारा जारी करी गई करेंसी यानी कैश को आप इस्तेमाल मत कीजिए, आप दूसरा सिस्टम इस्तेमाल कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और इसमें पेमेंट इंटरमीडियरीज को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि एक तो कंज्यूमर को कन्वीनियंस फी देनी पड़ रही है, हर टॉपअप पे आप कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, और सरकार भी उस पे उस पेमेंट नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए मर्चेंट चार्जेस जो हैं वो सरकार की तरफ से जाते हैं। तो इस तरह से अल्टीमेट जो फायदा है वो पेमेंट इंटरमीडियरीज का है, उन्हें फायदा हो रहा है, सिटीजन्स को पेनलाइज किया जा रहा है कैश यूज करने के लिए। ऐसे ही कुछ स्कीम सिंगापुर गवर्नमेंट भी लाने वाली थी, उन्होंने भी आइडिया सोचा था कि हम कैश ट्रांजैक्शंस पर ही टैक्स लगा दें, कि अगर कहीं $100 देने हैं तो 100 की जगह आपको $110 देने होंगे अगर आप कैश में पे करते हैं, अगर आप कार्ड से पे करोगे तो $100 देने हैं। लेकिन वहां के बिजनेसेस ने भी इसका विरोध किया, उन्होंने कहा ये एंटी बिजनेस है, कैश ट्रांजैक्शन चीप होते हैं और जो डिजिटल पेमेंट मोड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए कई तरह की मशीन्स, कई तरह की टेक्नोलॉजी, सर्वर्स, डेटा प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये सब चाहिए होता है जो महंगा होता है। कैश सबसे चीपेस्ट होता है, उसको एक बार आपने छाप दिया और मार्केट में उतार दिया, उसके बाद उसका कोई खर्चा नहीं है। फाइनली इस तरह का कदम इलीगल होगा, तो सिंगापुर सरकार अभी तक ये कानून नहीं लेकर आई है। तो मैंने आपको FASTag के प्रोज एंड कॉन्स सभी बता दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या मानना है, FASTag लागू होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।